जिला पंचायत में बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला बाल विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शासकीय बिल्डिंगों का सही उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आयोजित बैठक के संबंध में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि सभी महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र शासकीय भवनों में संचालित हो, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सकों की उपस्थिति हो। साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर ऑनलाइन चिकित्सीय सुविधा का उपयोग करें तो कम चिकित्सकों में से दूर बैठे भी अच्छे उपचार की व्यवस्था करा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित बैठक और सुनाते हैं उपाध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने क्या कहा है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो चला लीजिए अच्छे से, क्यों फालतू में पैसा खर्चा करें, जहां नहीं है वहां दीजिए ना। नहीं चलाने की हम कोशिश करेंगे, हमको नई बिल्डिंग नहीं चाहिए। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ जहाँ नहीं है वहाँ बना दीजिए। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले हम उसको दुरुस्त। लेकिन गायने का डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर आपको कुछ सिस्टम बनाना, थोड़ा डिमांड भेजना पड़ेगा। मैं तो भेजता है जिला चिकित्सालय कितने कार्य के डॉक्टर सीएमएचओ साहब भी आए हुए थे स्वास्थ्य विभाग के। तो जो दो दो या तीन मेन मुद्दों में जो बात हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में, जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो दो हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है, केंद्र लगाया जाता है, वो सरकारी किया जाए। चाहे वो, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मिनिमम मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बट एक बिल्डिंग बनने में और उसकी बाउंड्री एरिया करने में मुझे लगता है कि आज की डेट में हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमको इस पर्टिकुलर महिला बाल विकास के इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना चाहिए और सारे सरकारी भवनों में ही महिला बाल विकास की आयोजन होना चाहिए और वहीं पर बच्चे आने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था कि डॉक्टर्स जितने भी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रीवा छोड़ के जो बाकी हैं, उनमें सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे करके उनकी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर रखा गया है और वहाँ पर इंटरफेस में कहीं भी डॉक्टर बैठा है, भोपाल इंदौर बैठा है, और यहाँ पर पेशेंट बैठ के उससे दवाइयाँ ले सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं तो हम एक छोटा सा एक और एडवांस अगर कर लें, और जो एक प्रॉब्लम हम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं कि गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, तो उससे मुझे पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी थंब इम्प्रेशन या कोई एक जरिया कर लेंगे जिससे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहेगा, और हमारा उसमें एक बहुत अच्छा बहुत डिस्कशन हुआ। आई होप कि इन द नेक्स्ट अगली मीटिंग में उस पर हमको एक अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाए। तीसरा एक और बहुत बड़ा डिस्कशन था कि क्योंकि ऑन एन एवरेज रायपुर कल्चुरियान में जैसे आप देखें तो 100 डिलीवरी एक महीने में होती है, एक एवरेज देखा जाए तो वहाँ पर कोई महिला गायनाक डॉक्टर नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया CMHO साहब से कि आप प्लीज़ एक फ़ीमेल डॉक्टर को वहाँ पोस्ट किया जाए ताकि ये सारे प्रोसेस को अच्छा कर सके। चौथा एक और पॉइंट था कि ऑडिट कराया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक के पैसे से जो बनी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के पैसे से जो वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जनता को अच्छी सुविधा मिले, साफ हॉस्पिटल मिले और वहाँ पर साफ बेड्स हों, साफ शीट्स हों, साफ बाथरूम हो। उसके लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो रेगुलराइज कराए जाएँ ताकि ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई एक्शन ले सकें और इस चीज़ में अच्छा हो, ताकि जो संजय गांधी नेशनल हॉस्पिटल का जो लोड है, वर्कलोड है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से शेयर हो। कई जगह लेबर रूम और बाथरूम जी जी, तो मैंने जैसे आपको जो मैंने इसको आपको बताया ये रियलिटी की कहानी है। ये रायपुर कचुरियान में मैं जब वहाँ से पार हो रहा था तो रात को मैंने देखा भी वहाँ पर जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है। मैंने CMHO साहब को भी बोला कि उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी,
मैं इंस्पेक्शन पे भी गया था तो बाथरूम से इतनी स्मेल थी कि कोई बेड में लेट भी नहीं सकता था। तो हम लोग ने तो सब कुछ किया, हमारे माननीय सांसद जी कई बार जाते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगली बार से मैं भी वही करना शुरू करूँगा। हम लोग अपने आइडल को ही देखते हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, हम लोग भी अगली बार से सफाई करना शुरू करेंगे। हम उस दिन बोल के भी आए थे कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, आई होप कि ना करने को मिले उसके पहले ये सारी चीज़ों पे सिस्टम में सिस्टमैटिकली एक अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और हमको पब्लिक को सर्विस देना है। हम और सरकार जो अधिकारी हैं अभी बहुत, हम उसमें पार्ट हैं, दोनों जन का साथ रहेगा हमारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.